ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਯੋਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਂਭਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 59 ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 59 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸਣੀ ਹੋਈ 17 ਸਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਯੋਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। 69 में अच्छा क्या क्या बोलते थे आपकी बेटी, क्या बताती थी आपको? वही क्या करती, मेरी दीदी बहुत नालायक है, मुझे बंद कोठरिया में भेजती है अंधेरी वारी में, मुझे बड़ा डर लगता है, मैंने उनसे मना कर रही है, मेरी लड़की से उसका झगड़ा हुआ है। कौन सी? मैं गई थी, उनने मेरे मुंह पे गेट मारा, ये बोली भज जा यहाँ से, तेरे को हम नहीं जानते, जिसने लगवाया उसे भेज। तो लड़की आपकी वहीं रहती थी या रोज आती थी? नहीं, रोज 4:30 बजे, 3:30 बजे का टाइम था उसका, जब उनने 500 रुपये बढ़ा दिए तो 4:30 बजे भेजने लग रही। अब मैं गांव चली गई थी, वो बोली कि मम्मी तुम खेती मत करना और ऐसे ही खेत के उर्द काट के वो ले आना लिखवा के, पापा तुम यहीं काम करना, मैं उस कोठी में काम नहीं करूंगी। तो हम लोग गरीब हैं और अमीरों की हम लोग गुलामी करते हैं, मगर उस गुलामी की ये सजा मिलती गरीबों को कि उसका टैटुआ पकड़ के उसको जमीन में मार देते जान से ही, ताकि उसकी आवाज़ नहीं लिख रहे, मगर भगवान की आवाज में दम है। कतल तो साहब हमें तो उन पर शक यूं मालूम पड़ा था कि जब हम कोठी में गए पूछने के लिए तो उन्होंने ये कही थी कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम पुलिस का है, आप पुलिस के पास जाइए। शक तो साहब हमें उन पर कोठी वाले भी शक मालूम पड़ रहा है। मोहाली तो सत्ती दे नाल जतिंदर सबरवाल की रिपोर्ट, चैनल 2।